अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। सो आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। सो उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो अभी मैं जो है वो 4:30 तकरीबन जो है वो छत पे आई हूँ। आते ही मैंने जो है वो झाड़ू लगा के जल्दी जल्दी से 3 वीडियो रिकॉर्ड की हैं। 2 जो है वो मैंने ग्रिटी टेक्सचर्स की और एक प्योर डर्ट के टेक्सचर्स की जो है वीडियो रिकॉर्ड की है। एक ये वाले एक्स्ट्रा ग्रिटी सैंड सीमेंट की और एक ये वाइट ग्रेनी सैंड सीमेंट की, इन ये दोनों जो है वो मैंने ड्राई क्रम्बलिंग की है। और उसके अलावा ये ब्लैक डर्ट की जो है वो मैंने ड्राई और वाटर क्रम्बलिंग जस्ट अभी रिकॉर्ड करके हटी हूँ। और साथ ही मैंने व्लॉग जो है वो शूट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मगरिब हो जाएगी तो फिर टाइम नहीं रहेगा। सो मैंने कहा जल्दी से जो है वो हम व्लॉग शूट कर लेते हैं। डस्ट इतनी दूर तक गई है, इतनी मज़े की इसकी डस्टी वीडियो बनी है ना। सो आपको मज़ा आ जाएगा देखने का। चले थोड़ा सा डेमो जो है वो मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, डस्ट चेक करें, ये सारी ब्लैक डर्ट है। सो कुछ ड्राई की है और कुछ मैंने वाटर की है। जल्दी से अब जो है वो हम व्लॉग में क्रम्बलिंग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट व्लॉग जो है वो आप लोगों ने बहुत 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 पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो मजीद इसी तरह जो है वो मुझे सपोर्ट और प्यार करते रहिए। स्टार्ट द क्रम्बलिंग। ये ब्लैक डर्ट है। उस वजह से इतनी मजे की इसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है। ओह माय गॉड, डस्टो डस्टी हो गई हूँ मैं तो। डस्ट बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर गई है। सो ये हमारे पास है जी घाची का टेक्सचर। इसकी भी क्रम्बलिंग करके देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। ये थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है। ये टेक्सचर थोड़ा सा हार्ड हो गया, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए जी हमारे पास है ग्रे कंक्रीट। इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड होने वाली थी, अगर टाइम रहा तो मैं करूँगी, अदरवाइज फिर देखते हैं। Thank you.
ओके जी, एक्चुअली ये टेक्सचर जो है ना थोड़ा थोड़ा हार्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि टेक्सचर्स में नमी आ जाती है रात को ओस पड़ने की वजह से, उस वजह से इतनी देर से बने हुए हैं। थोड़ी सी क्रम्बलिंग हम इस टेक्सचर की भी करके देखते हैं जो टब में पड़ा हुआ है। चलें जी, बहुत डस्टी है ये भी, पर हमारे पास है मिक्स टेक्सचर रिफॉर्म वाला। ग्रिटी चारकोल जी, यहाँ पर हमारे पास है ब्लैक ग्रेनाइट चारकोल सैंड। ये भी बहुत मज़े का डस्टी टेक्सचर है, इतनी ज़्यादा डस्ट जो है वो मेरी सांस में चली गई है क्योंकि हर टेक्सचर इतना डस्टी हुआ पड़ा है। ओके जी, ये कुछ शेप जो है वो मैंने बचा के रखी थी। ये डस्ट चेक करें ज़रा, ये इस टेक्सचर की भी है और इस टेक्सचर की भी मिक्स ही है तकरीबन। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है ग्रेनी रियो सीमेंट। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास वाइट ग्रेनी सैंड। ये इतना कोई मज़े का सॉफ्ट टेक्सचर है।
की वीडियो बनाते हुए मुझे इतनी कोई चस आई है ना, एक तो डस्टी थी, ऊपर से सॉफ्ट बहुत था ये टेक्सचर। तो आप लोग जो है वो मस्त देखिएगा, आप लोगों को भी बड़ा मजे जो है वो मजा आएगा। ओके जी, व्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का मज़ेदार सा क्रमलिंग से भरपूर ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।